कोरोना काल में दूसरे प्रदेश से अपना काम छोड़कर लौटे हैं लोग और उनका काम काज जो है छिन गया है। ऊपर से जो है प्रत्येक दिन डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी से लोगों के जेब पर खर्च पर जेब पर जो है मार पड़ी है। प्रत्येक दिन डीजल और पेट्रोल के दाम में कुछ पैसों की बढ़ोतरी कर दी जाती है। और अभी हम भागलपुर के पेट्रोल पंप पर हैं, शहर के पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर लोग पेट्रोल ले रहे हैं, उनसे लगातार प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी जा रही है। ये सरकार की ओर से जो है पहले से ही महंगाई बढ़ाई हुई है, ये पेट्रोल और डीजल से और दोहरी मार मतलब लोगों पे पड़ रही है। दो चार 10-20 पैसा बढ़ता है सर। हाँ, आज 5-7 दिन से बढ़ रहा है। ये तो बढ़ ही रहा है सर, लगातार ही लगातार बढ़। हाँ, ये तो महंगाई पर बोझ है सर हम लोग का। और ऐसे में काम काज कोरोना के वजह से भी बंद पड़ा हुआ। हाँ, काम काज पर भी असर पड़ रहा है। सरकार से चाहते हैं कि जो सही काम होना चाहिए, रोज दाम बढ़ ही रहा है। 2 रुपया 1 रुपया रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। फिर सर लेना तो पड़ेगा ही, तेल के लिए क्या करें, हम लोग बहुत परेशान है सर। एक तो लॉकडाउन से परेशान, ऊपर से काम धंधा नहीं चल रहा है, ऊपर से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा रहा है, खाने पीने का दाम लगातार बढ़ रहा है। आम जीवन कैसे जिएंगे, बहुत मुश्किल में हम लोग पड़े हुए हैं। अब ये तो सरकार पर ही भी निर्भर करता है कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ना भी स्वाभाविक है, जब तक वो आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं होगी तब तक रोजगार का कोई उम्मीद नहीं है। जो भी कर रही है वो सरकार अपने देख रेख में ही कर रही है। हम तो यही कहेंगे सरकार अच्छे से काम करे और जो भी बाहर से आए हैं मजदूर वर्ग के लोग उन्हें काम दें। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक किसी को रोजगार मिलना संभव नहीं है। पेट्रोल का बढ़ोतरी का या सर जो अभी कोरोना वायरस के चलते गरीब लोग का जान जा रहा है, भुखमरी, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। सरकार को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, कुछ काम दाम काम करना चाहिए सर। और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे सर? असर तो कर ही रहा है सर, और बहुत ज़्यादा असर कर रहा है इसके लिए। और बाहर से जो आए हुए हैं तो मजबूरन, जो बाहर में कमाने वाले हैं वो तो मजबूरी में आए हैं अपना घर पे ना। घर पे आने के बाद भी यहाँ पर भी उन लोगों के साथ वही रवैया रहा है, तो उन लोगों का ज़िंदगी जीने में तो कठिनाई हो रही है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है उसमें ऐसे ही अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। और अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को। ये महंगाई तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अभी अपने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए भी ज़रूरत है कि जितने भी प्रवासी हैं वो बहुत परेशान हैं और इसके लिए छोटी छोटी रोज़गार भी उसको तुरंत में मिलती है वो बिल्कुल राहत की सांस लेंगे। और पेट्रोल और डीजल की बात तो ये केंद्र की बात है, ये सरकार की ओर से जो है पहले से ही महंगाई बढ़ाई हुई है, ये पेट्रोल और डीजल से और दोहरी मार मतलब लोगों पे पड़ रही है। सर इसके बारे में तो हमको लगता है क्या कि जो हमारी जनता है इसको आगे बढ़ना पड़ेगा इस चीज़ के सरकार के खिलाफ, क्योंकि ऐसे तो जिनके पास पैसा है वो तो सारा चीज़ कर लेंगे, लेकिन क्या है कि जिन मरण तो उनकी हो रही है, जैसे किसान भाई है या जो रोजगार है जिनके पास रोजगार नहीं है उनके पास गाड़ियाँ तो पेट्रोल कहाँ से भरा है। तो आज से कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले आज से 18-20 रुपये लीटर होता था। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, रोजगार है नहीं। अब कैसे रोजगार आएगा, कैसे पैसा आएगा पब्लिक के पास, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये मुद्दा आज से नहीं, ये मुद्दा कई दिनों से चल रहा है, कई महीनों से, कई सालों से की जा रही है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की नाकामयाबी को दिखाता तो है।